एक ऐसी हॉन्टेड बस जिसमें कई सारी आत्माएं सफर करती है। जो भी इस बस में चढ़ा वो उसी दुनिया में फंस गया। क्या होगा जब इसी भूतिया बस से अनजान एक इंस्पेक्टर और कुछ लोग इसी बस में चढ़ेंगे, देखेंगे आज की कहानी में, जो 2022 में आई डायरी मूवी के बारे में है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे एक्सप्लेनेशन वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम एक पति पत्नी को देखते हैं जो रात के टाइम पर ऊटी जा रहे थे। थोड़ी दूर ड्राइव करने के बाद वो दोनों पहाड़ी इलाके में पहुंच जाते हैं। ये रास्ता बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा था और अब हस्बैंड अपनी वाइफ को नींद से उठाता है। वो उसे कहता है, अरे अरे उठो, हम 13 हेयरपिन बेंड के पास से गुजरने वाले हैं। उसकी पत्नी उसे कहती है, तो क्या हुआ? पति कहता है, तुम्हें पता नहीं है, ये एरिया बहुत ही खतरनाक है। रात के टाइम पर यहाँ से जो भी ड्राइव करते हुए जाता है उन्हें रोड पर एक औरत मिलती है जो कि अपने बच्चे के साथ रोड क्रॉस कर रही होती है। लेकिन किसी को भी अपनी कार उस लेडी के पास नहीं रोकनी चाहिए, वरना उसकी मौत हो जाएगी। अब ये सब बातें करते हुए वो दोनों 13 हेयरपिन बेंड के पास पहुंच जाते हैं और तभी अचानक उनकी कार के सामने कुछ डरावनी चीज आ जाती है, जिसकी वजह से उस आदमी का कार से कंट्रोल छूट जाता है और उनकी कार जोर से एक पेड़ से टकरा जाती है। उनका भयानक तरीके से एक्सीडेंट हो गया था और इसी के साथ उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब अगले सीन में हम टीवी न्यूज पे इन्हीं कपल के बारे में न्यूज देखते हैं, जहां एक न्यूज एंकर हमें बताती है कि इस तरह की एक्सीडेंट 13 हेयरपिन बेंड पर होती रहती है। कई लोगों का मानना था कि ये जगह हॉन्टेड है, तो कई लोग कहते थे कि वो रास्ता ही कुछ ऐसा है कि वहाँ पर ड्राइव करते वक्त सामने से आती हुई व्हीकल नजर नहीं आती, जिस वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं तमिलनाडु के एक पुलिस ऑफिसर ट्रेनिंग कैंप को। यहाँ ऑफिसर की ट्रेनिंग का आज लास्ट डे था। यहाँ पर हमें वरदा नाम के एक ऑफिसर से इंट्रोड्यूस किया जाता है। उनका ट्रेनर सभी पुलिस ऑफिसर को बताता है कि तमिलनाडु में ऐसे कई केसेस है जो आज तक सॉल्व नहीं हो पाए है। इस ऑफिस में जितने भी फाइल्स है वो सब अनसॉल्व केसेस है। अब उन सभी लोगों को उन्हीं में से किसी एक फाइल को सिलेक्ट करके उस केस को सॉल्व करना होगा और यही तुम्हारा पहला ट्रेनिंग का पड़ाव है। ये ऑर्डर सुनने के बाद सभी ऑफिसर्स फाइल सिलेक्ट करने में लग जाते हैं और वर्धा भी ऐसी एक फाइल उठाता है जो कि ऊटी में लगभग 16 साल पहले हुए मर्डर के केस के बारे में थी। ये एक कपल का मर्डर केस था जो कि ऊटी के होटल में हुआ था। इस कपल का कत्ल करके चोर उनके गहने लूटकर वहां से भाग गए थे। लेकिन दोस्तों, आज तक पुलिस को इस केस से जुड़ा हुआ एक भी सबूत नहीं मिल पाया था। अब इस केस को सॉल्व करने के लिए वर्धा ऊटी निकल जाता है। वहां पर उसकी मुलाकात होती है एक इंस्पेक्टर से। वो इंस्पेक्टर वर्धा को इस केस की मदद करने के लिए पवित्रा नाम के एक सब इंस्पेक्टर को असाइन कर देता है। अब वो दोनों साथ मिलकर इस केस को इन्वेस्टिगेशन करने वाले थे। उसके बाद पवित्रा वर्धा को लेकर रिटायर कांस्टेबल के पास चली जाती है जो कि इसी केस पर 16 साल पहले काम कर चुका था। वो रिटायर ऑफिसर इन दोनों से कहता है कि ये तो 16 साल पुराना केस है, उस वक्त हमने कातिलों को ढूंढने के लिए काफी कोशिश की थी लेकिन हमारे हाथ एक भी सुराग नहीं लगा, इसलिए ये एक अनसॉल्व केस है। 16 साल पहले हमसे एक केस सॉल्व नहीं हुआ तो अब क्या हो पाएगा। वो वर्धा को किसी और केस पर काम करने की सलाह देता है। लेकिन दोस्तों, हमारा वर्धा किसी से कम है क्या? उसे पूरा यकीन था कि वो अपने लेवल पर छानबीन करके इस केस को कैसे भी करके सॉल्व करके ही रहेगा। अब वो कांस्टेबल वर्धा को अपनी फाइल दे देता है जो कि उसने 16 साल पहले इस केस को इन्वेस्टिगेशन करते वक्त बनाई थी। वहाँ से वापस लौटते वक्त वर्धा पवित्रा से कहता है कि इस केस को डीप में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उन्हें 16 साल पहले आसपास के स्टेट में इस तरह के सिमिलर केसेस को चेक करना होगा ताकि उन्हें इस केस को सॉल्व करने के लिए एक दिशा मिल सके। अब दोस्तों, ऐसे ही थोड़े दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि वर्धा और पवित्रा एक दूसरे को चाहने लगे थे और उन दोनों में प्यार हो जाता है। वो दोनों एक साथ वर्धा के गॉडफादर से मिलने भी जाते हैं और वर्धा और पवित्रा एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। खैर, उसके बाद इस केस के इन्वेस्टिगेशन में कई दिन निकल जाते हैं। कितनी भी छानबीन करो लेकिन उन्हें कोई भी ठोस सबूत या सुराग नहीं मिल रहा था। इसी बीच एक दिन पवित्रा पुलिस स्टेशन से निकल रही थी, तभी एक लड़की के पेरेंट्स उसके पुलिस स्टेशन पर आ जाते हैं और वो अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने लगते हैं। पवित्रा अपने कांस्टेबल से इनकी रिपोर्ट लिखवाने के लिए कहती है और वो वर्धा से मिलने के लिए चली जाती है। अब यहाँ हम देखते हैं कि वर्धा और पवित्रा एक होटल में बैठे हुए थे, तभी वर्धा को कुंभकोणम से इंस्पेक्टर अक्षय का कॉल आ जाता है। वो उसे बताती है कि उसके एरिया में भी ऐसा केस हुआ था और उसे लगता है कि दोनों के केस का कातिल एक ही है।
वो ये भी बताती है कि उस वक्त पुलिस वालों ने सस्पेक्ट के तौर पर जय कुमार और आनंद को पकड़ा था। अब अक्षया की ये बातें सुनकर वर्धा उसे कहता है कि मैं तुरंत कुंभकोणम आता हूँ, उस केस की डिटेल मुझे दे दो, शायद इस जानकारी से ये केस सॉल्व हो जाए। अब वर्धा और पवित्रा उस होटल से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन शॉकिंगली होटल के बाहर वर्धा की कार ही गायब थी। अब होटल में लगे हुए सीसीटीवी फुटेज को चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि सत्या नाम के एक चोर ने वर्धा की कार को चुरा लिया था। दोस्तों पवित्रा इस चोर को जानती थी। दोस्तों अब वर्धा की कार को ढूंढना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया था, क्योंकि वर्धा की सर्विस गन और इस केस के रिलेटेड सभी फाइल उसी कार में थी। खैर उसके बाद हम देखते हैं तीन चोरों को, जय कुमार, आनंद और सित्तरासु। ये तीनों एक होटल के रूम में जाकर एक कपल को बेरहमी से मार देते हैं और उनकी ज्वेलरीज वगैरह लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। वो तीनों भागकर ऊटी की बस स्टेशन के पास आ जाते हैं, जहाँ पर ऊटी से कोयम्बतूर जाने वाली लास्ट बस खड़ी थी। अब वो दो चोर उस बस में चढ़ जाते हैं, लेकिन सित्तरासु जब बस में चढ़ रहा था तभी उसे ऐसा लगता है कि अभी इसी वक्त उसके सामने कोई काली परछाई गुजर गई। वो थोड़ा डर जाता है, लेकिन जय कुमार उसे इस बात को नजरअंदाज करके बस में चढ़ने के लिए कहता है। हम देखते हैं कि उस बस में दो औरतें पहले से ही बैठी हुई थी, एक बूढ़ी साधु माता और मीनाक्षी। दोस्तों ये दोनों बात कर रही थी तो हमें मीनाक्षी के बारे में पता चलता है कि उसका पति मर चुका है, उसका एक छोटा बेटा है और मीनाक्षी दूसरे गांव में जाकर कपड़े की दुकान में काम करती थी। उसके बाद बस थोड़ी दूर जाकर रुक जाती है। दोस्तों इस बस को और बस में बैठे हुए और बस में चढ़ने वाले पैसेंजर को ध्यान से देखना, क्योंकि आपको लास्ट में शॉकिंग क्लाइमैक्स देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अब ये बस थोड़ी दूर जाकर रुक जाती है, जहाँ पर लेजी नाम की एक लड़की उस बस में चढ़ती है। उसके पापा उसे छोड़ने के लिए आए थे और वो वहाँ से चले जाते हैं। इसी बीच हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि बस स्टैंड पर अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि इसकी गर्लफ्रेंड की कल शादी है, इसलिए उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे अपने गाँव बुलाया था। यहाँ पे वो दोनों एक साथ भागने का प्लान बना रहे थे। जब ये बस उस लड़के के बस स्टॉप पर आ जाती है तो ये लड़का भी उस बस में चढ़ जाता है। इसके बाद हम राघवी और एजिल नाम के दो यंग लवर्स को देखते हैं, जो कि अपने घर से भाग रहे थे। राघवी के पिताजी गणेश शंकरन को पता चल गया था कि राघवी एजिल के साथ भाग गई है। गणेश शंकरन को इन दोनों का रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, इसीलिए वो अपने आदमियों को बुलाकर उन्हें राघवी और एजिल को ढूंढ के उन्हें मार देने का ऑर्डर दे देता है। वहीं दूसरी तरफ हम सत्या को देखते हैं, जहां वो वर्धा की कार को एक दूसरे आदमी को बेच देता है। वो कार बेचकर वहां से वापस जा रहा था, लेकिन उसे ऐसा फील होता है कि यहां पर किसी लड़की को कैद करके रखा हुआ है। अब वो वहां से चला जाता है। वहीं वर्धा और पवित्रा कार को खोजते खोजते उसी शेड तक पहुंच जाते हैं। यहां रास्ते में एक फैमिली की कार बंद पड़ जाती है, इसीलिए वो अपनी कार से उतर कर इसी बस में चढ़ जाते हैं। इस फैमिली में पति पत्नी और उनके दो बच्चे थे। उसके बाद हम एजिल और राघवी को देखते हैं, जिनके पीछे गुंडे पड़े हुए थे और अब वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए उसी बस में चढ़ जाते हैं। यहाँ वर्धा अपनी कार को देख लेता है, लेकिन उस जगह पर कुछ गुंडों ने एक लड़की को भी किडनैप करके रखा हुआ था। उसके बाद वर्धा और उन गुंडों के बीच जबरदस्त फाइट होती है और हमारा हीरो वर्धा उन गुंडों की हड्डी पसली एक कर देता है और वो उस लड़की को भी आजाद कर देता है। उसके बाद जब वो अपनी कार को चेक करता है तो कार में उसकी बैग थी ही नहीं। वो उनमें से एक चोर को पूछता है कि उसका बैग कहाँ है, जिस पर वो चोर बताता है कि हमें तो सिर्फ कार ही मिली थी, बैग शायद सत्य अपने साथ ले गया होगा। अब यहाँ पर जो लड़की किडनैप हुई थी, लकीली वो वही लड़की होती है जो लोग पवित्रा के पुलिस स्टेशन में अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने आए थे। पुलिस की टीम उस लड़की को अपने घर पर भेज देती है। वहीं यहाँ बस में एजिल और राघवी अपनी स्टोरी पास में बैठे पैसेंजर को बताने लगते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि राघवी और एजिल काफी समय से एक दूसरे से प्यार करते थे। जब राघवी ने अपने पिता गणेश शंकरन को ये बात बताई तो उन्होंने एजिल और उसके पिताजी को गुंडों से पिटवा दिया और इसी हाथापाई में एजिल के पिता की मौत हो गई। और ये बताते हुए वो दोनों बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और रोने लगते हैं। ये देखकर सभी पैसेंजर उन्हें हौसला देते हैं और तभी बस कंडक्टर राघवी को पूछता है कि अब तुम आगे क्या करने वाले हो। इस पर राघवी बताती है कि
हम घर से भागते वक्त अपने साथ कुछ गोल्ड ज्वेलरीज और पैसे लेकर आए हैं ताकि वो लोग कहीं दूसरी जगह जाकर सेटल हो सके। अब दोस्तों ये बात सुनकर जयशंकर, आनंद और सित्तरासु इन तीनों चोरों के कान खड़े हो जाते हैं और वो प्लान करने लगते हैं कि किसी भी तरीके से राघवे के पास के गहने चुराएंगे। तो दोस्तों इसीलिए पब्लिक प्लेस में अपने पास कितने पैसे है और कितने गहने है ये बात किसी को मत बताना, वरना आपका सारा माल गया ही समझो। अब दोस्तों इस बस में एक लॉयर भी था, वो उन्हें एक आइडिया देता है कि एजिल और राघवी को जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि शादी के बाद उन्हें कोई परेशान नहीं करेगा। दोस्तों बीच में एक और फैमिली इस बस में चढ़ी थी, उसी फैमिली में से एक बूढ़ी औरत बताती है कि आगे एक टेंपल आने वाला है और इन दोनों की शादी हमें वहीं कर देनी चाहिए। अब आगे जाकर टेंपल आ जाता है और एजिल और राघवी की शादी करने के लिए बस के सभी पैसेंजर उतर जाते हैं, लेकिन यहाँ बस में साधु माता अकेली रह जाती है क्योंकि दोस्तों वो सो रही थी। यहाँ सभी पैसेंजर मंदिर में पहुँच जाते हैं और हम बस में देखते हैं कि साधु माता की नींद खुल जाती है। साधु माता देखती है कि बस में कोई भी पैसेंजर नहीं है। अब ये नज़ारा देखकर वो घबरा जाती है। तभी उसे बस के ग्लास पर कई सारे हैंड प्रिंट्स बनते हुए दिखाई देने लगते हैं और अजीब चेहरे भी दिखने लगते हैं। उन्हें देखकर वो काफी डर जाती है, डर के मारे वो नीचे गिर जाती है। ये सब देखकर उसकी सांसें फूलने लगती है और वो अपने भगवान को याद करने लगती है। अब वो हिम्मत करके उठ जाती है और पीछे वाली सीट पर जाकर अजीब तरह की शक्ल बनाकर बैठ जाती है। यहाँ मंदिर में हम देखते हैं कि एजिल और राघवी शादी कर लेते हैं। वो दोनों बहुत खुश थे और वो पैसेंजर भी उनकी खुशी में शामिल हो जाते हैं। उसके बाद वो सभी लोग वहाँ पर बढ़िया नाच गाना भी करते हैं और थोड़ी मस्ती करने के बाद फिर से बस में वापस आ जाते हैं। अब बस आगे बढ़ने लगती है। थोड़ा आगे बढ़ने पर एक फैमिली बस से उतर जाती है। उसके बाद इन फैमिली के पास एक कार आकर रुकती है जिसमें गणेश शंकरन के गुंडे थे। वो राघवी की फोटो दिखाकर उस ओल्ड लेडी से पूछने लगते हैं, क्या आपने इस लड़की को कहीं देखा है? अब वो बूढ़ी औरत समझ जाती है कि ये गुंडे एजिल और राघवी को मारने के लिए आए हैं। इसीलिए वो झूठ बोल देती है कि हम इन लोगों को नहीं जानते, लेकिन वहाँ खड़ी एक नादान लड़की तुरंत बोल पड़ती है कि अभी अभी हम लोगों ने इन दोनों की शादी करवाई है। ये सुनने के बाद वो गुंडे उन पैसेंजर को अपनी कार से कुचलकर मार देते हैं। उसके बाद वो निकल जाते हैं उस बस का पीछा करने के लिए। यहाँ हम बस में देखते हैं कि साधु माता के पास बैठा हुआ एक लड़का माता के चेहरे को देखकर उनसे पूछता है, क्या बात है माँ जी, आप ऐसी भूत बनकर क्यों बैठी है? जिसपे साधु माता अपने साथ हुए हादसे के बारे में उसे बताती है। वो कहने लगती है कि इस बस में भूत है। हाँ सच में भूत है। ये सुनकर वो लड़का भी डरने लगता है। अब उस लड़के को भी कुछ नेगेटिव फीलिंग आ रही थी। उसे ऐसा लगता है कि सामने बैठी लड़की जिसका नाम लेजिता वही भूत है और वो उसे देखने के लिए उसके पास चला जाता है। वो उसे नींद से उठाता है, तभी उसका चेहरा भूत की तरह दिखाई देता है। ये देखकर उस लड़के की फटके चार हो जाती है, जिसके बाद वो डर के मारे साधु माता के पास आकर बैठ जाता है और उससे कहने लगता है कि आगे जो भी स्टॉप आएगा वहीं पर हम उतर जाएंगे। अब आगे जाके थोड़ी देर के बाद एक बस चेक करने वाला आदमी बस को रुकवाता है। बस जैसे ही रुकती है साधु माता और वो लड़का बस से उतर जाते हैं। वो उस ऑफिसर को बताते हैं कि बस में कोई भूत है, लेकिन वो ऑफिसर उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता और उन पर ही हंसने लगता है। उसके बाद वो बस में चढ़ जाता है। तभी उसी बस में बैठी हुई एक बच्ची अपनी डॉल को लेने के लिए आती है। वो ऑफिसर उस बच्ची को जब डॉल देता है तो उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि दोस्तों वो बच्ची और कोई नहीं बल्कि उसे भूत दिखाई देती है। उस ऑफिसर को बहुत ही बड़ा झटका लगता है और वो तुरंत बस से नीचे उतर कर बेहोश हो जाता है। उसके बाद साधु माता और लड़का वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें रास्ते में वर्धा मिलता है, जिसे देखकर वो लोग उसे बताते हैं कि वो जिस बस से उतरे हैं वो बस भूतिया है। अब उनकी ये अजीब बात सुनकर वर्धा उस लड़के को लेकर उस बस का पीछा करने के लिए निकल जाता है और वो पवित्रा को सत्य का पता लगाने के लिए भेज देता है। यहाँ बस में सारे पैसेंजर सो जाते हैं। तब जय कुमार और उसके साथी चोर राघवी के गहने से भरा हुआ बैग चुराने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी उन्हें एक बच्ची देख लेती है और वो चिल्लाने लगती है, जिसकी वजह से बाकी के सारे लोग उठ जाते हैं। अब जय कुमार उनके सामने चाकू निकाल कर पैसेंजर को धमकाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर बस के सामने वर्धा आ जाता है। वो बस को रोक कर बस में चढ़ता है और वो तीन चोरों की धुलाई करके सिचुएशन को संभाल लेता है। यहाँ जय कुमार का सामान चेक करते हुए वर्धा को एक गोल्ड नेकलेस मिलता है, जो कि ठीक वही नेकलेस था
जिसे हमने 16 साल पहले वाले उस मर्डर केस के फाइल में देखा था। यहाँ से बस जब 13 हेयरपिन बेंड के पास पहुँच जाती है, तब वर्धा को भी बस के अंदर कुछ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस होने लगता है। लेकिन वो इन सब को इग्नोर करते हुए वर्धा इन तीन चोरों से पूछताछ करने लगता है। उन तीनों के नाम जानने के बाद उसे ये याद आता है कि उसने तो ये तीन नाम पहले कहीं सुने थे। वो चोर बताते हैं कि अभी अभी उन तीनों ने होटल रोज गार्डन के पास से एक कपल का मर्डर करके उनके गहने चुराए थे। उसके बाद वर्धा ये इन्फॉर्मेशन अपनी टीम को बता देता है और उन्हें होटल रोज गार्डन के आसपास के सभी होटल्स को चेक करने के लिए बोलता है। उसके बाद वर्धा पवित्रा को कॉल करता है और ये सारी बात बताता है, और वो उसे ये भी बताता है कि इस बस में उसे अजीब फीलिंग आ रही है। तब पवित्रा उसे उस बस का नंबर शेयर करने के लिए कहती है और ये इंश्योर करती है कि वो इस बस के बारे में इन्फॉर्मेशन निकलवा के रहेगी। और तब तक वो वर्धा को बाकी के पैसेंजर से बातचीत करके उनके डिटेल्स निकलवाने के लिए कहती है। उसके बाद वर्धा लेजी को उठाता है और उसके ऐसा करते ही लेजी को अचानक एक विजन आता है, जहां वो वर्धा को किसी को शूट करते हुए देखती है। ये बात वो वर्धा को बताती है, लेकिन ये बात सुनकर वर्धा बताता है कि उसकी गन तो उसके पास है ही नहीं, तो वो किसी को कैसे शूट करेगा। उसके बाद राघवी और एजिल से पूछताछ करने पर वर्धा को ये पता चलता है कि राघवी दरअसल ऊटी के एमएलए की बेटी है। वो एमएलए कैसे भी करके उन्हें ढूंढने के लिए आकाश पाताल एक करके ही रहेगा और उन्हें ढूंढ कर मार ही देगा। इसी बात को लेकर राघवी और एजिल बहुत परेशान थे। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पवित्रा बस सर्विस के पास जाकर बस नंबर TN43N0715 के बारे में पूछताछ करती है और यहाँ पर उसे एक शॉकिंग चीज पता चलती है। दोस्तों वो बात ये थी कि दरअसल इस नंबर की बस रिकॉर्ड में ही नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, ऊटी की लास्ट बस तो 11 बजे ही निकल चुकी थी। यहाँ हम देखते हैं कि इत्तफाक से उस बस में आगे सत्या भी चढ़ जाता है, जहाँ वर्धा उसे तुरंत पहचान लेता है और सत्या से अपना बैग वापस ले लेता है। ऐसा करने पर उसे उसकी गन और वो फाइल मिल जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ऊटी के हर होटल में पुलिस छानबीन कर रही थी, लेकिन तभी भी उन्हें किसी भी होटल में कोई मर्डर का केस नहीं मिल रहा था। यहाँ पवित्रा वर्धा को कॉल करती है और वर्धा को बताती है कि वो जिस बस में बैठा है उस नंबर की बस रिकॉर्ड में मौजूद ही नहीं है। अब ये बात सुनकर वर्धा हैरान रह जाता है और तभी बस रुक जाती है, क्योंकि बस के ठीक सामने गणेश शंकरन के गुंडे आ गए थे। गुंडे बस के अंदर आ जाते हैं और अफरा तफरी मच जाती है। वो गुंडे राघवी और एजिल को मार देते हैं और इसी बीच एक गुंडा बस ड्राइवर को भी खत्म कर देता है। अब वर्धा अपनी गन से उन दोनों को शूट करने लगता है, जो कि एग्जैक्ट वही विजन था जो कि थोड़ी देर में लेजी को आया था। अब यहाँ बिना ड्राइवर की ये बस अपने रूट से हट जाती है और हम देख पाते हैं कि ठीक इसी समय वो कपल जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, वो अपनी कार से इस टर्न पे आ जाते हैं और इस बस की वजह से उनकी कार एक पेड़ को टकरा जाती है और उनका भयानक तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। तो दोस्तों आप समझ रहे हो कि स्टार्टिंग का लिंक यहाँ कैसे किया हुआ है। खैर, अब वो बस भी खाई के एंड पर ऐसी पोजीशन पर आकर रुक जाती है कि जहाँ पर जरा सी भी हलचल हुई और वो बस सीधा खाई में। अब वर्धा उन बस में बैठे हुए पैसेंजर की जान बचाने लगता है, लेकिन वो किसी तरह चार ही लोगों की जान बचा पाता है और वो बस खाई में गिर जाती है। जो लोग बचते हैं उनमें लेजी, सत्या, वो लड़का जो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जा रहा था, वो और वर्धा बच जाते हैं। अगले दिन वहाँ पर पुलिस की पूरी टीम और एम्बुलेंस वगैरह आ जाती है और एक क्रेन की मदद से उस बस को नदी से बाहर निकाला जाता है। और दोस्तों यहाँ पर आता है कहानी का असली क्लाइमैक्स। हम देखते हैं कि वो बस बहुत ही पुरानी और जंग लगी हुई थी और ये बात बहुत ही अजीब थी, क्योंकि दोस्तों कल तक ये बस तो एकदम बढ़िया थी और आज अचानक इतनी पुरानी कैसे हो सकती है। इनफैक्ट इस बस के अंदर से कई लोगों के कंकाल भी मिलते हैं और वहाँ पर सिर्फ एक फ्रेश बॉडी थी और वो भी उस आदमी की थी जो कि लेजी के पीछे बैठा था, जिसे वर्धा नहीं बचा पाया था। उसके बाद दोस्तों यहाँ वर्धा और पवित्रा बस की इन्फॉर्मेशन ओल्ड रिकॉर्ड में चेक करने के लिए जाते हैं, जहाँ उन्हें 16 साल पहले की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि ये बस 16 साल पहले अचानक ही रातों रात गायब हो गई थी। सिमिलरली 16 साल पहले ही ऊटी के एक होटल में एक कपल का कत्ल हुआ था। तो दोस्तों 16 साल पहले इन्हीं तीन चोरों ने वो कत्ल किया था। उसके बाद वर्धा पवित्रा को बताता है कि उसे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे उसने कल रात उस बस में टाइम में पीछे ट्रेवल किया है और 16 साल पहले हुए इंसिडेंट्स को अपने सामने होते हुए देखा था।
वो इस केस से रिलेटेड सभी रिपोर्ट्स बनाते हैं और सभी सबूत इकट्ठा करके गणशेखरन को 16 साल पहले अपनी बेटी राघवी और एजिल के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करवा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, मतलब राघवी और एजिल जो बस में चढ़े थे वो दोनों 16 साल पहले ही मर चुके थे और ये सारी आत्माएं बस में ही फंस गई थी। उसके बाद वरदा फादर के पास जाकर ये सारी बातें बताता है, जहाँ पर फाइनली फादर उसे ये बताते है कि ये सब वरदा के साथ इसीलिए हुआ, वो इस केस से और 13 हेयरपिन बेंड से जुड़ा हुआ है। अब कहानी 16 साल पहले उसी रात पर जाती है जहां हम उस मैरिड कपल को 13 हेयरपिन बेंड के पास देखते हैं, जहां पर उनकी कार एक पेड़ से टकरा जाती है और वहीं पर उन दोनों की मौत हो जाती है। लेकिन दोस्तों यहां पर आता है बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। दोस्तों उस कार के पीछे एक बच्चा सो रहा था और वो बच्चा जिंदा था। अब वहां से एक फादर गुजर रहे थे जो इस बच्चे को देख लेते हैं और उसे अपने साथ लेकर आते हैं। दोस्तों वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि वरदा ही था। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब कि 16 साल पहले हुए एक्सीडेंट में मारे जाने वाले पति पत्नी वरदा के माता पिता थे। फादर वरदा को उसके रियल पेरेंट्स की एक फोटो देते हैं। उसके बाद वरदा हर दिन उस बस के इंतजार में बैठा रहता और दोस्तों इसी तरह 4 साल बीत जाते हैं। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि वरदा और पवित्रा की शादी हो चुकी है और अब उनका एक छोटा बेटा भी है। यहाँ वरदा को अक्षय का कॉल आता है क्योंकि आज उसकी एंगेजमेंट थी, लेकिन वो उसे ये बताता है कि वो आज नहीं आ सकता क्योंकि आज 29 फरवरी है जो कि उसके पेरेंट्स की डेथ एनिवर्सरी थी। और दोस्तों ये सुनते ही पवित्रा एक पैटर्न नोटिस करती है और वो वरदा से कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स का एक्सीडेंट 29 फरवरी को ही हुआ था और तुम उस केस के सिलसिले में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तब भी तुम 29 फेब को ही उस बस में ट्रैवल कर पाए थे। इसका मतलब ये था कि हर 4 साल बाद यानी कि 29 फेब को वो बस दिखाई देती है। अब ये बात सुनते ही वरदा उस बस में चढ़ने के लिए निकल जाता है और उस रात में हम वरदा को और सत्या को उसी बस स्टॉप पर देख पाते हैं। तभी वहाँ पर वो हॉन्टेड बस आ जाती है जिसके अंदर वरदा और सत्या दोनों ही चढ़ जाते हैं। उसके बाद सत्या को अपनी माँ की आत्मा दिखाई देती है क्योंकि दोस्तों जब सत्या छोटा था तब उसकी माँ मर चुकी थी और इसीलिए वो गलत संगत में पड़कर ऐसी चोरी वाले काम करता था। दोस्तों सत्या अपनी माँ को देखकर बहुत ही ज्यादा रोने लगता है और ये देखकर वरदा भी बहुत इमोशनल हो जाता है। उसे भी अपने माता पिता याद आने लगते हैं और दोस्तों ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों मुझे पता है कि ये कहानी देखने के बाद मेरी ही तरह आपके मन में भी बहुत सारे सवाल आए होंगे, जैसे कि बस में सिर्फ 4 लोगों की ही जान क्यों बच पाई, उस नदी से जब बस बाहर निकली तो हमें सिर्फ एक ही फ्रेश लाश क्यों दिखाई दी, और वरदा उस बस में टाइम ट्रेवल कैसे कर पा रहा था। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, दोस्तों जिस वक्त इस बस का एक्सीडेंट हुआ था तब सारे लोग इस बस में मारे गए थे और ये वक्त टाइम लूप में अटक गया, इसीलिए 29 फेब को वही घटनाएं फिर से दोहराई जाती है। और दोस्तों आप लोग भी इस बस में ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। अगर आप इस बस का एक्सीडेंट होने से पहले उतर जाते हैं तो आप बच जाएंगे। बस के एक्सीडेंट में जो लोग मारे गए उनकी आत्मा वहीं पर अटक गई, जिसमें वो 3 चोर, सत्या की माँ राघवी और एजिल, वो बच्ची और उसके माता पिता, ये सारे लोग 16 साल पहले ही मर चुके थे। जी हाँ दोस्तों, और उस बस में उनके साथ वही घटना हुई जो 16 साल पहले उनके साथ घटी थी। वो 4 लोग जो बच गए थे उसमें से सत्या, लेजी और वो लड़का जो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा था, और खुद वरदा, क्योंकि दोस्तों ये लोग प्रेजेंट में जिंदा थे और उस बस में चढ़े थे। और जो फ्रेश लाश हमने देखी थी वो बस में चढ़े हुए एक लड़के की थी जिसे वरदा बचा नहीं सका, इसलिए उसकी लाश फ्रेश लग रही थी। और जो बाकी सब कंकाल हमें दिख रहे थे वो दोस्तों 16 साल पहले मरे हुए लोगों के ही कंकाल थे। तो दोस्तों ओवरऑल ये कहानी मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई और ये थी डायरी मूवी की एक्सप्लेनेशन। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी, दिमाग घूम गया ना, तो कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपके मन में और भी कोई डाउट है तो वो भी कमेंट करें। और ऐसे ही अमेजिंग हॉरर मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस को देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।